1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अजमेर में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। राजस्थान के सभी जिलों में 487 बच्चों ने लिया भाग। आज से अजमेर के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों के 487 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 87 टीमें बनाई गई है, जिसके अंदर अंडर 10, अंडर 14 और अंडर 13 की प्रतिभागी शामिल है। यह प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक चलेगी। बैडमिंटन गेम है। कहाँ से आए थे? जोधपुर से आए। कितने साल से रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। क्या क्या रमे अभी आपने? कौन से मतलब टूर्नामेंट रमे हैं आपने? दिल्ली, चंडीगढ़, झालावाड़, जालौर, अजमेर। अजमेर। ये पेना कहाँ से मिली? सीखने का सर से। अकेडमी से। कितने साल से जोधपुर में? अभी आप यहाँ रमने वाले आ रहे था जाओगे आगे कॉम्पिटिशन बहुत चलोगे टूर्नामेंट अभी किस तरह के टूर्नामेंट चल रहे हैं क्या? ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन संघ द्वारा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन द्वारा ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें 487 टीमें आई है और ये टूर्नामेंट 29 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक चलेगा और इसमें अंडर 14, अंडर 10 और अंडर 13 के बॉयज़ और गर्ल्स पार्टिसिपेशन करेंगे और इसके बाद में जो जीतेगा वो भागलपुर में नेशनल होंगे 6 नवंबर से 10 नवंबर, उसमें भाग लेंगे। कितने उम्र के? इसमें अंडर 10 और अंडर 13। कहाँ-कहाँ से आए? ये पूरे राजस्थान से। राजस्थान पूरे राजस्थान। कितने टोटल कितने बच्चे आए हैं? टोटल इसमें 487 बच्चे हैं। इसमें जीतने बाद ये जीतने के बाद नेशनल है इसका भागलपुर 6 नवंबर से 10 नवंबर। मैं भी एक प्रकाश जोशी और इंचार्ज बैडमिंटन। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की करी अपील। कहा, अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं करें लीक, पुलिस जुटी है ठगों की तलाश में। अजमेर पुलिस अधीक्षक को राशिदीप ने ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ रहे मामले को लेकर आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। अजमेर एसपी को राशिदीप ने बताया कि ऑनलाइन ठगी की वारदात रोकने के लिए अजमेर पुलिस पूरी तरह प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता को सतर्क रहकर आरोपियों से बचकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक की ओर से लगातार दिशा निर्देश मिलने के बावजूद भी ठग के कहने मात्र से उपभोक्ता अपनी सारी जानकारी उन्हें दे देते हैं, जिसके चलते लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई लूट जाती है। वही उन्होंने कहा कि गूगल के माध्यम से लोग किसी भी तरह की डिटेल डालें, बैंक संबंधी समस्या को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेना उचित होगा, जिससे कि बैंक उपभोक्ता भी ठगी का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे मामले को लेकर अजमेर पुलिस की ओर से सतर्कता बरतने की अपील लगातार की जा रही है। वहीं अजमेर पुलिस भी बैंक के संपर्क में रहकर आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन आरोपी अन्य स्थानों से इन वारदातों को करते हैं और करने के बाद अपने नंबर बंद कर लेते हैं, जिसके चलते वारदात खुलने में समय लगता है। इसलिए जनता से अपील है कि वे अपने बैंक एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी किसी अन्य से शेयर न करें। इसके लिए लगातार पुलिस भी लगातार मैसेज करती रही है, लगातार यहां तक कि जो भी बैंक हैं, जो भी फाइनेंस कंपनीज हैं, वो बार बार ये मैसेज करती हैं कि कोई भी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। यहाँ तक कि आपको OTP आता है, उसमें भी लिखा होता है कि प्लीज़ डोंट शेयर दिस OTP विद एनीवन। लोगों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, कम से कम इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो अपने बैंक, अपने अकाउंट या फिर अपने किसी भी जो भी उनके खाते हों उसके बारे में कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन गलती से भी शेयर नहीं करें। अपने क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स हैं, पीछे लिखा हुआ उनका जो CVV नंबर होता है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दे नहीं, क्योंकि ये आपके अकाउंट की चाबी की तरह अपराधियों के पास पहुंच जाती है, उसके बाद वो आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। लोगों को ये बात कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है ताकि ऐसी वारदातों से बचा जा सके। लेकिन लगातार जो है टोल फ्री नंबर पर बात करने की बात की जाती है, चाहे वो बैंक की ओर से हो, चाहे और किसी संस्थान की ओर से हो, कि टोल फ्री नंबर पर बात करें तो आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। अगर वही गूगल पे टोल फ्री नंबर पे बात करता है तो उससे फ्रॉड हो जाता है,
ऐसी स्थिति में सर किस तरह से बचे आदमी? देखिए, टोल फ्री नंबर कौन सा इस्तेमाल किया है व्यक्ति के द्वारा, कौन सा नंबर गूगल से निकाला गया है, वो भी एक देखने की चीज़ है, क्योंकि ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जो बैंक के बारे में गलत नंबर्स अपलोड करके रखती हैं, और आप गूगल पे यदि सर्च करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि सही साइट पर जा कर के टोल फ्री नंबर तक पहुंच सकें। इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने बैंक में जा कर के वहां से वो टोल फ्री नंबर पता करें। आप अगर गूगल पे जा कर के एक टोल फ्री नंबर या वेबसाइट का एड्रेस लेंगे तो वो नंबर फेक हो सकता है, वो नंबर एक ट्रैप का पार्ट हो सकता है, तो उन नंबरों से बचने की आवश्यकता है। यदि आपको वाकई में कोई कंप्लेंट रजिस्टर करानी है तो आपकी तैयारी उससे पहले होनी चाहिए। आप अपने अकाउंट के लिए कभी भी बैंक अगर जाते हैं तो बैंक जाने पर ही आप वो टोल फ्री नंबर उनसे ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि सब कौन सा नंबर आपका टोल फ्री नंबर है, ताकि गलत। इस वर्ष भी अन्नकूट का प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। हम हर साल भगवान का प्रसाद बनाते हैं। क्या रहता है इसका महत्व? इस प्रसाद के अंदर हम सभी कड़ी, बाजरा और चावल सब प्रसाद में वितरण करके मिक्स नए त्यौहार के त्यौहार के रूप में इसका मुहूर्त करते हैं, आरंभ करते हैं। क्या रहता है कि नई फसल आती है? इसी नई फसल का उद्घाटन के रूप में उसका आयोजन करा जाता है, भगवान का प्रसाद बनाया जाता है। हर वर्ष संगम बिहार कॉलोनी जॉन्सगंज के अंदर राम मंदिर में हमारा हर वर्ष का एक कार्यक्रम रहता है, जिसमें हम ये प्रसाद गोवर्धन वाले दिन हम ये प्रसाद बनाते हैं, लक्ष्मण प्रसाद। ये आज के दिन क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? जय श्री राम। ये श्री राम मंदिर संगम बिहार कॉलोनी गली नंबर 2 में स्थित है। यहाँ हर वर्ष हम लोग अन्नकूट का महोत्सव का आयोजन रखते हैं। ये भगवान इंद्र ने जब प्रकोप हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटकी उंगली पर उठा करके सभी ग्रामवासियों को एक पहाड़ पर्वत के ऊपर के नीचे रख करके वहाँ पर अन्नकूट अन्न जो भी प्रकृति के द्वारा नई फसल आई थी उसका सबका मिश्रण करके प्रसाद बनाया था, और उसी प्रसाद का वितरण उसी रूप में हम लोग यहाँ पर करते हैं। प्रतिवर्ष ये दिवाली के बाद दूसरे दिन रामनाम वाले दिन ये कार्यक्रम को हम यहाँ आयोजन करते हैं। कौन सा मंदिर है? ये श्री राम मंदिर है। यहाँ पे हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, शिव परिवार है, राम दरबार है, और करीब 35 वर्ष पुराना ये मंदिर। आपका नाम? मेरा नाम पंडित निरंजन कुमार शर्मा है। राम राम पर महिलाओं ने की गोवर्धन पूजा, गाय कृष्ण भगवान के गीत, अन्नकूट प्रसाद का किया वितरण। कल राम राम पर महिलाओं ने गोवर्धन पूजा कर भगवान कृष्ण के भजन गाए। ऐसी मान्यता है कि गोकुल में भगवान कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसलिए दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और गाय के गोबर से घरों के बाहर प्रतिमा बनाई जाती है, जिस पर गन्ने के पत्ते, मीठे खिलौने, दिए से पूजा की जाती है। इसके पश्चात सभी में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया जाता है। बोलो राधे राधे, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 5 दिन तक दीपावली के महोत्सव को मनाते हैं। दीपावली के बाद अगले दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, सुबह अन्नकूट बनाते हैं। अन्नकूट में जितनी भी सब्जियां होती हैं, जितने भी फल होते हैं, जितनी मेवाएँ होती हैं, जितने भी अनाज होते हैं, सबको हम लोग रखते हैं, उनका बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सुबह भोग लगाते हैं, और शाम को फिर हम इस तरह से 3-4 घंटे करीब लगते हैं, हम लोग बनाते हैं, गोवर्धन भगवान जी की मूर्ति बनाते हैं, और सब महिलाएं एकत्रित होकर भजन गाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। कहते हैं कि पुरानी कथाएं हैं कि जो गोकुल में जो लोग रहते थे वहाँ के वासी, उन पर वो हमेशा प्रथा थी कि वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, और इंद्र ने कुपित होकर उन पर बारिश की, और उस बारिश से बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया और इस तरह से उन गोकुलवासियों की रक्षा की। इस खुशी में उनके धन्यवाद को देते हुए हम आज के दिन को इस पर्व को मनाते हैं। धन्यवाद। गोकुल में मनाया जाता है, गोवर्धन जी जगह है, वहाँ पर मनाया जाता है। हम चंद्रप्रदाई नगर अजमेर में रहते हैं। हम लोग यहाँ पर, मेरी शादी को करीब 11 साल हो गए, और 11 साल से हम लोग यहाँ पर हर बार बनाते हैं।
गुंजन गुप्ता। दुकानदारों को एडी ने थमाया नोटिस, दुकानदारों ने आज एडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। धनतेरस के दिन एडी द्वारा गुलाबबाड़ी नाके के पास दुकानदारों को लीज को लेकर नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसके बाद आज दुकानदारों ने एडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि यूआईटी द्वारा 1972 में ये दुकानें लीज पर दी गई थी। कई दुकानें तो 99 साल की लीज पर है, लेकिन एडी ने उसे 30 साल की करके 2002 पर खत्म करके धनतेरस पर नोटिस दे दिया है, जिसके बाद से सभी दुकानदारों में रोष है। दुकानदारों का कहना है कि एडी ने इसको लेकर सर्वे भी नहीं किया और सीधा नोटिस दे दिया, जिसके बाद से दुकानदार काफी परेशान है क्योंकि उनके परिवार पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। बड़े रेलवे फाटक के पास में जो नगर सुधार न्यास द्वारा 1972 के अंदर ये लीज के ऊपर दुकानें भूखंडे नीलामी के तौर पर दी गई थी। अब उन्होंने लीज तो दे दी, लेकिन उन्होंने 2002 के अंदर दो के आधार के ऊपर हमारे को नोटिस जमा दिए, वो भी धनतेरस के ऊपर, जबकि सभी का त्यौहार धनतेरस दिवाली मनाई जाती है। यहाँ तक ये नोटिस देखते हुए हमारे परिवार वालों ने इस नोटिस के सदमे के अंदर है, रोजी रोटी हमारी जो इसी से चलती थी, आज 47 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना रोजगार लेकर, जो आज जमा हुआ रोजगार है उसको आज है ना एक झटके के अंदर इन्होंने 7 दिन का टाइम देते हुए हमारे रोजगार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कईयों के पास यहाँ पे 99 साल की लीज भी है और नोटिस के अंदर केवल ये दिया गया है कि आपकी 30 साल की लीज है जो 2002 के अंदर ही समाप्त हो रही है, जबकि इनको 17 साल से इनको किसी बात का कोई जानकारी नहीं ली हम यहाँ दुकानदारों से, ना ही यहाँ पे आके कोई सर्वे इस बात का किया कि किस दुकानदार के पास किसके पास कितने कागज हैं क्या है, कोई सर्वे नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनको ये यहाँ तक भी कोई जानकारी नहीं थी, वो भी हमें दुकानदारों ने बताया कि आईडिया की आपकी दुकान है, यहाँ पे 20 दुकान है। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने अपना वहाँ पर ऑफिस के अंदर वो भी 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में उन्होंने अपनी हमारे जो फाइलें थी वो संभाली, फिर उन्होंने ये 30 साल की लीज निकाल के हमारे पास नोटिस जमा दिए गए। और यहाँ तक कि कमिश्नर साहब भी मौखिक रूप से हमको कह गए थे कि आप भी जगह बताना और हम भी आपके हमारी जगह बताएंगे, दोनों सूटेबल होगी, फिर हम आपको ये जगह देके फिर आपको यहाँ से हटाएंगे। और हमारे यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उन कईयों का तो यही है कि इसी के ऊपर आधारित है, और अगर यही अगर हमारे यहाँ से 1 तारीख के बाद हट जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे। यहाँ पे नाम राजेंद्र सैनी। हमें नोटिस एडीए द्वारा मिला गया है कि 30 साल तक आपकी लीज डेट है, 30 साल के बाद में आपकी लीज डेट ख़त्म हो चुकी 2002 में, तो इनको खाली कब्जा सौंपा जाए हमारे को, उस संबंध में इन्होंने नोटिस जारी किया। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जब 2002 में हमारा और जब ये ख़त्म हो चुका है तो उनको नोटिस देना चाहिए कि भाई आपका ये वो ख़त्म हो चुका लीज डेट, इसको वापस रिलीज कराएँ या इस पर जो भी है आप इसकी फ़ीस जमा कराएँ। हमारे को कोई उसने उन्होंने सूचना दी नहीं, 4-5 दिन की छुट्टी रह गई है और शाम को 5:30 बजे 25 तारीख के रोज़ यहाँ आके ये एडीए वालों ने इन्होंने नोटिस लगा के कि साहब की 1 तारीख को आप हमारा एडीए का खाली कब्जा सौंपें, अन्यथा आपका ना ये दुकानें को ध्वस्त कर दी जाएगी, स्वयं आपके हर्जे खर्चे से हटाया जाएगा, इसकी स्वयं की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, प्रशासन की इतनी उदासीनता है, यहाँ आते हैं तो यहाँ पहले किसी चीज़ की समीक्षा करनी चाहिए उनको कि भाई किस रूट में आ रहा है, ये ब्रिज बनेगा या क्या, इसका कैसे क्या होगा, किस संबंध में हमारे को नोटिस दिए, क्यों हमारे को यहाँ बेरोजगार कर रहे हैं। आज यहाँ कम से कम 70 दुकानदार हैं, यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, उनका कौन धनी दोरी है, उनका प्रशासन कोई पूछता नहीं इस बारे में। दिवाली पे साहब धनतेरस पे हमको ये तोहफा दिया, इसके लिए प्रशासन की मैं बहुत निंदा करता हूँ कि प्रशासन को थोड़ा बहुत उनके भी बीवी बच्चे होंगे उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बोले भाई हम किस आधार पे दे रहे हैं, कम से कम धनतेरस के रोज तो कम से कम उनको तो वो तसल्ली रखनी चाहिए थी। सर आपके तो पेपर मेरे पूरे कंप्लीट है सर, और लोगों के कंप्लीट है, यहाँ मैंने आपसे यही कहा ना सर, पहले हमारे को इस बारे में नोटिस देना चाहिए था कि भाई हमारे को ऐसा है कि 30 साल के यहाँ डॉक्यूमेंट्स खत्म हो रहे हैं, आपके कब्जा हटा दिया जाएगा, आप पेपरों की जांच कराए तो हम पेपरों की जांच कराते हैं, हम पेपर की जांच नहीं कराते हैं तो आप हमारे लिए एक्शन लेते हैं कुछ, उन्होंने कुछ देखा नहीं कुछ, 5:30 बजे यहाँ आ रहे, 4-5 दिन आज तक कोर्ट की छुट्टी है, अब हम शरण ले तो किसकी लें शरण, आप उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया 1 तारीख को, अब 1 तारीख को या 2 तारीख को आके तोड़ जाते हैं, अब बताया अब हम कहाँ जाएँ अब इसके लिए। हैं मेरा नाम वो यासिन खान, कैप्टन ट्रेवल से। 99 साल की लीज थी आपकी और क्या आप कितने साल की बची? सर 99 साल की लीज है हमारी, उसमें काफ़ी कुछ तो मेरे हमारे भाई ने बता चुके हैं आपको, और इसके अंदर ये है कि उन्होंने जब दिया था तो वो कह रहे हैं कि हमने आपको 30 साल की लीज दी, जबकि हमारे पास में 99 साल की लीज है
और 30 साल भी उनके अनुसार 2002 में समाप्त हो चुकी। अब जब 2002 में वो चीज़ समाप्त होगी तो उनके बाद में उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारे को या तो नोटिस दे दें कि आपकी दुकान हटा रहे हैं या आपकी लीज बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में कुछ केस यहाँ पे ऐसे भी हैं कि 2009 के अंदर दुकानें वापस सेल आउट की गई हैं और UIT से अनुमति लेकर के, तो उन्होंने 2009 में लीज डीड को स्थानांतरण करते हुए फीस का 25% ज़्यादा दिया है। उसके अलावा कुछ अधिकारी वर्ग यहाँ पर आते थे और मौखिक रूप से, यहाँ तक कि आयुक्त साहब भी आए और मौखिक रूप से हमसे वार्ता की, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपका सहानुभूति पूर्वक आपको अच्छी से अच्छी जगह हम आपको देंगे, विस्थापित तो होंगे। तो हमने उनको मना नहीं किया, आरओबी का काम है, जनहित का काम है, लेकिन हमने क्या एक सूटेबल जगह जो हमारे को हो वो उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके पास में 2-4 दिन में आकर के और बाकायदा अच्छी जगह आपको जो तुम डिसाइड करोगे वो देंगे, तो वो जगह तो हमारे को नहीं मिली। बल्कि धनतेरस के दिन, जिस दिन एक त्यौहार होता है, एक बड़ा अच्छा पर्व है हमारे भारत का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है, उस धनतेरस के दिन शाम को आकर के हमें नोटिस दिया जाता है। और उसका कारण ये रहा कि जितने भी दुकानदार, यहाँ करीब 70 दुकानदार हैं, वो सबकी दिवाली जो है एक तरह से सदमे में, उनके बच्चे परिवार के सबके लिए परेशानी का सबब बना, सदमे का। तो इस तरह से जो है, कम से कम जब वो बोल के गए तो कम से कम वार्ता के लिए आना चाहिए था। वार्ता के लिए हम भी तैयार थे कि हमारे को एक सूटेबल जगह मिलती है तो हम उसके लिए तैयार है। लेकिन 70 दुकानें हैं, जिसमें से कुछ ADA की हैं, कुछ नगर परिषद की हैं और कुछ नगर परिषद द्वारा मतलब रसीद वगैरह किराए वगैरह की दुकानें भी हैं। सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन ये कि खाली आश्वासन दे के गए, आश्वासन के अलावा उन्होंने जो धरातल पे काम होना चाहिए धरातल पे काम नहीं करके सीधा नोटिस हमारे को ठेका दिया। अब आप किस तरह का, हम तो ये है, हमारे हमारा तो ये है कि थोड़ा सा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने संपर्क किया था वहाँ से अधिकारी वर्ग से, इंद्रजीत सिंह जी वगैरह से, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई 30 तारीख को आप आए और बैठ करके टेबल पे हम बात करेंगे। तो अभी तक तो हम खाली उसी आश्वासन पे बैठे हुए हैं। अभी तक हमने कोर्ट का न्यायालय नहीं खड़का, उसका कारण है कि छुट्टियाँ भी हैं, इसलिए हम कोर्ट की शरण में नहीं गए। 30 तारीख को हमारी मीटिंग होती है, सूटेबल कोई डिसीजन हमारे को मिलता है और हमारे हित में होता है तो हम बैठ कर वार्ता करने को तैयार हैं। और एक अच्छी जगह हम नहीं होता तो उसके बाद में कोर्ट की शरण लेंगे। उसके बाद में अगर नहीं होता है फिर कोर्ट के द्वारा जो दरवाज़ा है हमारे पास में उपलब्ध है, क्योंकि हमारी लीज 99 साल की है, ना कि 30 साल की है। तो 99 साल की लीज है, उसकी तरह देखते हुए फिर कोर्ट में जाएंगे। किसी दबाव में होना ही ना, दबाव तो मैं हम कैसे मान लें सर, क्योंकि देखो हम भी थोड़ा सा इस बारे में जानते कि यहाँ ब्रिज का काम है, तो हो सकता है ROB के तहत मांग रहे हो, लेकिन ROB के लिए भी जो जगह चाहिए, दूसरी जगह भी हमने देखा है कि दूसरे दुकानदारों को कम से कम नहीं छेड़ा। उसका कारण है कि दुकानदार की गुडविल होती है और गुडविल की वैल्यू लाखों में होती है, जो जगह आपने दी उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी, उससे कई गुना ज़्यादा गुडविल की होती है, कि दुकानदार की रोजी रोटी वहाँ से चलती है कि ये दुकानदार के यहाँ सामान उपलब्ध और यहाँ से चलता है, तो वो गुडविल की कीमत ये प्रशासन हमारे को दे भी नहीं सकता। तो हमारा तो ये कहना, अगर वो जगह बिना हमारे को हटाए अगर ये अपना ब्रिज बना सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं तो जनहित के अंदर हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन उपलब्ध जगह हमारे को मिले। कौन सी जगह ये? हमारे ये तो नाकाम आधार है, भूखंड योजना नाकाम आधार है। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र कल रहेंगे अजमेर दौरे पर। MDIS यूनिवर्सिटी में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में लेंगे भाग। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र कल अजमेर आने वाले हैं। राज्यपाल यहाँ MDIS विश्वविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ समारोह में भाग लेंगे। MDIS विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती के 137वें बलिदान दिवस पर आयोजित एक संगोष्ठी में देश भर से आर्य विद्वान भाग लेने के लिए अजमेर आ रहे हैं। संगोष्ठी का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र सुबह 11 बजे करेंगे और बाद में बतौर मुख्य अतिथि उनका उद्बोधन भी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्माण दिवस है और इस पर एक आयोजन किया जा रहा है। युग दृष्टा, युग सृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार, इस पर जो आयोजन किया जा रहा है विचार गोष्ठी होगी। उसमें आर्य समाज के बहुत ही विद्वान लोग जैसे पवनानंद साहब, ऐसे लोग इस पर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे राज्य के जो माननीय राज्यपाल जी हैं, माननीय श्री कलराज जी मिश्र, उन्होंने इसका कार्यक्रम में आने की सहज स्वीकृति दे दी है। और
माननीय राज्यपाल जी कल 10:30 बजे यहाँ पर पधार जाएंगे परिसर में, और 11 बजे गोष्ठी में वो रहेंगे, और इसके अतिरिक्त तो आशीर्वाद देंगे। इस गोष्ठी में मामी जी के होने से बहुत ही इसकी सार्थकता होगी, क्योंकि महर्षि दयानंद जी के विचारों के संदर्भ में माननीय श्री राज्यपाल जी बड़े अवगत हैं और स्वयं बड़े विद्वान रहे हैं, मनीषी रहे हैं, तो इस तरह के आयोजन में आकर के शोभा बढ़ाई है। और हमारा जो विश्वविद्यालय परिवार है वो इसके लिए अवभूत है कि वो यहाँ पर पधार रहे हैं। सभी तैयारियाँ पूर्ण होगी सर? तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, और सभागार में होगा कार्यक्रम, और कार्यक्रम ठीक होगा। रामचंद्र चौधरी पर लगे दुष्कर्म के मामले पर पीड़िता ने बुलाई प्रेस वार्ता, मीडिया के समक्ष पेश की ऑडियो। वकील का कहना है पीड़िता पर बनाया जा रहा है दबाव। 23 अक्टूबर 2019 की शाम रामगंज थाने पर एक युवती द्वारा अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था। जिसके बाद आज पीड़िता ने अपने वकील के साथ एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उस पर और उसके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। युवती से ये सवाल पूछा गया कि उन पर भी पैसों के चक्कर में ब्लैकमेल करने का आरोप है, जिस पर युवती का कहना है कि मैंने किसी प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास नहीं किया, उल्टा उनके द्वारा पैसे लेकर मामले को शांत कराने का दबाव बनाया जा रहा है। इस बारे में जब पीड़िता के वकील से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला 23 अक्टूबर 2019 को दर्ज करवा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रामगंज थाना पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही और उन्हें बचने का मौका दिया जा रहा है। वकील का कहना है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस कप्तान के पास गुहार लगाई जाएगी। इसी मामले को लेकर पीड़िता ने मीडिया के समक्ष एक ऑडियो भी जारी किया है। हाँ, गजराज जी का फोन आया था आपसे। हेलो। हाँ जी, गजराज जी का फोन आया था आपसे बात करने के लिए। हाँ बेटा, क्या हुआ? तो वो एमडी ने मना कर दिया तेरे को? नहीं सर, आपने हरकत कैसी की थी मेरे साथ, जबरदस्ती क्यों की सर आपने? क्या हुआ बेटा? जब मैं आपके चैम्बर में आई थी एप्लीकेशन लेके, तो आपने सर, आप मेरे बाप बराबर हो, आपने ऐसी हरकत क्यों की सर, जबरदस्ती क्यों की मेरे साथ? कोई नहीं बेटा, माफी चाहता हूँ बस। नहीं सर, माफी नहीं होती है सर, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रख सकती हूँ कि आप मेरे बाप बराबर हो, आप मेरे को ऐसे पकड़ो और मेरे को ये चीज बोलो कि तुम्हें शर्म आ रही है और तुम्हारा मन हो तब। छोड़ो छोड़ो बात बेटा, बात को माफ करो, उस बात को जिंदगी में नहीं होगी, बात खत्म, ठीक है ना? माफी मांग ली सर। पेरेंट्स से ये उम्मीद नहीं होती कि अपने पेरेंट्स ऐसे करेंगे सर, आप अपने बेटियों के साथ भी ऐसे ही करते हो फिर? नहीं नहीं करते बेटा, बात खत्म है ना, मैंने मना कर दिया तेरे को, बात खत्म कर, टॉपिक को यहीं रोको, धन्यवाद, ठीक है ना? जिसमें डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जैसी आवाज सुनाई दे रही है। पीड़िता का कहना है कि इस ऑडियो में रामचंद्र चौधरी माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब इस ऑडियो की कितनी सत्यता है वह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पीड़िता और वकील द्वारा रामगंज थाना पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मामला दर्ज कराया, अब क्या स्थिति बनती है आपके साथ? हमारे पे सोशली प्रेशर डाला जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि समझौता कर ले, मेरे रिलेटिव्स को भी काफी परेशान किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि वो लड़की जैसे समझते हैं उसको समझाओ, पैसे दे लो, जैसे भी है वह समझौता कर ले। दूसरी बात, जिस दिन आपने मामला दर्ज कराया पुलिस आपको मेडिकल करने लेके गई तो आपने मना क्यों किया? सर मैं काफ़ी डरी हुई थी और जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे जाते ही डॉक्टर के फ़ोन आ गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ विक्टिम मेरे पास पहुँच चुकी है और विक्टिम का नाम भी वो बता रहे थे, बोले कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे, तो मैं काफ़ी डरी हुई थी और मैं अब मेडिकल करवाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, उनकी तरफ से आप पे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है कि वो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रही है, अगर उनके पास ऐसा प्रूफ है कोई तो वो पब्लिश कर दे, मैंने कोई उन पे ब्लैकमेल का आरोप नहीं लगाया है। इवन वो खुद मतलब कि लोगों के जरिए हमारे घर पे भेज रहे हैं कि अगर वो पैसा लेके मानती हैं तो उनको पैसा दे दिया जाए। इससे पहले आपने गुलाबपुरा थाने के अंदर मामला दर्ज कराया, उसमें आपने बलात्कार का कहीं जिक्र नहीं किया? हमने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये मामला अजमेर का है तो आप अजमेर में ही करवाइए, तो हमने बोला कि भाई कि हमें यहाँ पे धमकियाँ मिल रही हैं रेगुलर, तो वो बोले कि हम पुलिस प्रोटेक्शन करवा सकते हैं, तो एज ए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमने उनको मतलब कि वो FIR दी थी, जो रिपोर्ट दी थी हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए दी थी उनको। अब आप क्या चाह रहे हैं? मेरे को सिर्फ जस्टिस चाहिए।
अच्छा ये बताएं, आज कोई आप ऑडियो क्लिप भी वायरल करने वाले हैं, उसमें किस तरह की वार्ता है आपकी? जो मेरी चेयरमैन सर से बात हुई थी तो उनमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो ऑडियो है आपके पास? जी सर। जो कानून पक्ष इस मामले को लेकर दिख रहा आपको जी, अब आगे की क्या कार्रवाई है आपकी? आगे की आज हम वहाँ पर मेडिकल के लिए अर्जी लगाएंगे थाने पर, और अभी तक 164 के बयान के लिए पुलिस ने इनको इन्फॉर्म नहीं किया है। हम आज उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इतना डिले क्यों कर रहे हैं वो इस प्रकरण को। 23 तारीख की हमारी रिपोर्ट है। रामगंज थाने में 24 तारीख को एक रिपोर्ट और हुई थी बलात्कार की, उस आरोपी को पुलिस ने उसी दिन बिना 164 के बयान कराए, लाल नाम था उनका, हम थाने पर गए तो हमें पता चला, उनको उसी दिन बंद कर दिया। इनको इनके ऊपर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस द्वारा मौका दिया जा रहा है कि वो इन पर दबाव डालकर किसी भी तरह से मामले को दबाया जा सके, और 164 के बयान के लिए ये तैयार हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया इनको। आज हम उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं तो कल SP साहब से बात करेंगे, DIG साहब के लड़के के साथ जिस तरह का गलत हुआ है, ये बड़ी परेशान है। इसके घर पर जो गाड़ी, जिस गाड़ी में ये आ रही थी, उन गाड़ी वालों को इतना टेरराइज कर दिया कि ये वो गाड़ी लेकर आने को तैयार नहीं, इनका साधन नहीं। और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन्होंने पहले धनतेरस वाले दिन इन्होंने रखा था, तो उस दिन इनके 200 आदमी इनके वहाँ जाके उन्होंने घेराबंदी कर दी और इनको आने तक नहीं दिया। दिवाली के बाद अजमेर में बदला मौसम, ठंड ने दी दस्तक। 2 दिनों से बना हुआ है बारिश का मौसम। दीपावली के बाद से अजमेर में 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। 2 दिनों से अजमेर में बादल छाए हुए हैं, वहीं बारिश के आने की संभावना दिख रही है। इस मौसम की बात अजमेर में हल्की हल्की ठंडक ने दस्तक दे दी है। लोगों ने चिकित्सा प्रशासन से अपील की है कि वे मौसमी बीमारियों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद रहें, ताकि किसी को भी मौसम बदलने के दौरान बिगड़ने वाली तबीयत से परेशानी न हो और उन्हें समय पर उपचार मिल सके। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठंडक भी बढ़ गई है, क्या करें? देखिए 2 दिन से ऐसा हो रहा है, बदल भी हो रहे हैं और बिल्कुल ठंडक तो बड़ी है, नेचुरल बात है ये तो, और ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में ये बिल्कुल ज़ोरदार ठंड पड़ सकती है, तो इसलिए बीमारियां भी हो रही है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई प्रशासन को चाहिए कि बिल्कुल इसकी रोकथाम की जाए। जैसे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो बीमारियां नेचुरली बढ़ेगी बढ़ेगी, और बदल हो रहे हैं, बिल्कुल बारिश की भी संभावना है। सर्दी से बचने के लिए भी, और सर्दी से बचने के लिए भी, अभी तो वैसे दीपावली की सफाई हुई है तो कंबल वगैरह सब वैसे ही बाहर निकालनी है, स्वेटर वगैरह भी पहनना ही पड़ेगा 1-2 दिन में, और बिल्कुल ये तो ठंड का बिल्कुल एहसास हो चुका है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com, सच के साथ।